अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को किसी तरह का सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की ई स्पेशल रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है जो हम आपके साथ बना रहे हैं, आपके सामने बना रहे हैं, वो है कलेजी। और यहाँ पर हम लोग जो सी कलेजी तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर मटन कलेजी हम लोगों ने ली है और उसकी रेसिपी हम शेयर करें। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से लोग हमें कहते हैं कि हम जो कलेजी बनाते हैं वो सख्त हो जाती है, तो वो हमें काइंडली आप बता दें कि हम किस तरह बनाएंगे कलेजी जो सी वो सख्त ना रहे, उसमें से स्मेल ना आए। तो ये तरकीब जानते हैं मम्मा से, और तरकीब के साथ साथ ये जो से दो चीज़ें हैं जो मैंने अभी डिस्कस की हैं, जो दो इशू लोगों को फेस करने पड़ते हैं, वो कैसे दूर हो सकते हैं ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने अच्छी तरह धो ली है और मैंने ना इसमें हल्दी, नमक, मिर्च डाल दी है, ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, ये तीन टमाटर है, एक बड़ा सा प्याज है, ये बस डाल के ना रख ले देने, बहुत अच्छी तरह बन जाएगी ना। ये मसाले वाली बना रहे हैं हम लोग कलेजी। हाँ जी, थोड़ी सी रस मिसी सी हो गई है, तो बस ये कि सूखी सी हो गई है अभी, तो ये ना सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं, अब मैंने पकने रख दूंगी इसे, ये गल जाएगी, फिर ये डाल देंगे। तो वो जो सख्त रहती है उसके लिए क्या करें? कुछ नहीं बेटा, वो ज़्यादा ना तल लेते होंगे। ओके, मतलब ज़्यादा फ्राई कर लेते होंगे, ओवर कुक करने की वजह से भी जो उनसे वो कलेजी आपकी सख्त हो सकती है, तो स्मेल भी इंशाल्लाह इसकी ख़त्म हो जाएगी। हम जो बनाते हैं इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। तो अब आप लोगों ने देखा कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह हम लोग कलेजी को बना रहे हैं, कब हम लोगों ने उसको भुना है, क्या हम लोगों ने ऐड किया है। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी ईद स्पेशल वीडियो को पूरा देखना है। हाँ जी, ये कलेजी हम भून रहे हैं, इसका पानी खुश्क हो जाए, फिर मैं घी डालती हूँ, मसाले अपनी मर्जी से आप कर लें। देखें माशाल्लाह कितने प्यारी बन गई है, मैंने स्मेल इसमें बिल्कुल नहीं आ रही आपके सामने, वो गल भी की, कलेजी भी गल गई है। हाँ जी, तो अब मैं घी डालूंगी इसमें, थोड़ा सा और पानी खुश्क हो जाए फिर घी डाल। हाँ जी, ये मैंने ज़ीरा भी डाल दिया, ठीक है। अब मैं ना इसमें ना, आप चाहे घी इस्तेमाल करते हैं तो घी डालते हैं, आप तेल इस्तेमाल करते हैं, मैं तो तेल डाल रही हूँ। चलिए, अब मैं अच्छी तरह से भूनती हूँ, फिर माशाल्लाह ये तैयार हो जाएगी आपके सामने। मैं बिल्कुल जो से मेरी रेसिपी फाइनल हो गई। हाँ जी, हाँ जी, ये भूनना है अभी बेटा, ठीक है। कलेजी को अच्छे से भून लें ताकि अगर कोई स्मेल वगैरह, अब तो है नहीं इसके अंदर, अगर हो तो वो भी खत्म हो जाए। तो इसके बाद जो से हमारी रेसिपी कलेजी की वो बिल्कुल फाइनल हो जाएगी। तो व्यूअर्स, ईद स्पेशल आज की रेसिपी है हमारी कलेजी की, तो आप लोगों ने इसको जरूर ट्राई करना, क्योंकि कलेजी सब घर में बनती है, तो इसको बनाए और हमें अपनी फीडबैक दें। हाँ जी, लहसुन अगर आप हिसाब से डालना है, एक जगह पे मैं गई थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा लहसुन डाल दिया था, उस कलेजी में सिर्फ लहसुन की स्मेल ही आई जा रही थी, तो लहसुन आपने हिसाब से डालना है, लहसुन अदरक का पेस्ट। हाँ जी, ये धनिया, अदरक, हरी मिर्च, ये भी मैंने डाल दिया। चले जी, बिल्कुल, ये अब हमारी रेसिपी फाइनल हो गई है, और हमने लास्ट ये देखें, घी भी आ गया, ये देखें घी भी आ गया है, और अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। मैंने मसाले वाली बनाई है, अब ये खुश्क हो गई है, देखें माशाल्लाह खुशबू, ये देखें मसाले वाली है, आप बनाएं इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। उसको डिश आउट करते हैं और आपको बस माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो सी ई स्पेशल रेसिपी है कलेजी की, हम लोगों ने मटन कलेजी यहाँ पर यूज़ की है, बिल्कुल फाइनल हो चुकी है, ये है इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें, और इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को क्योंकि दंत को सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूअर्स, लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, तो मज़ीद ईद की स्पेशल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।